नमस्कार दोस्तों, यदि आप कैनन का प्रिंटर यूज कर रहे हैं जो कि कैनन का पिक्समा जी सीरीज का 2000 सीरीज का कोई भी अगर प्रिंटर यूज करते हैं, कुछ दिन यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लाइनिंग आना स्टार्ट हो जाता है। तो लाइनिंग आने के बाद अगर आप हेड क्लीनिंग या फिर इंक फ्लॉसिंग करते हैं उसके बाद भी लाइनिंग हटती नहीं है, हमेशा उसी तरह से बनी रहती है, तो उस स्थिति में कांटे चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से कोई भी कलर या ब्लैक कार्टेज कैसे चेंज करते हैं। हमारे पास एक कैनन का पिक्समा जी 2010 प्रिंटर है जिसमें हम ब्लैक कार्टेज चेंज करेंगे। उसमें दिक्कत ये है कि जब भी प्रिंट करते हैं तो करीबन आधा इंच छोड़ के प्रिंट होता है। तो उस प्रॉब्लम को हमने हेड क्लीनिंग भी किया, हेड क्लीनिंग करने के बाद उसके बाद इंक फ्लॉसिंग भी किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लाइनिंग या जो गैप हो के प्रिंट हो रहा है वो दिक्कत हमेशा बन ही रह रही है। तो उसके लिए हमने एक कैनन का ये कार्टेज मंगाया है जिसका मॉडल नंबर है BS7। यह ब्लैक कार्टेज है और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर भी दिया हुआ है कि किन किन प्रिंटरों में यह लग सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले आपको प्रिंट करके दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल हमारे प्रिंटर में। तो ये हमारे कैनन का प्रिंटर है, पहले तो हम इसमें स्कैनर में रख के इसका फोटोकॉपी करेंगे। दोस्तों ये जो प्रिंटर है G2010 प्रिंटर है और इससे हम प्रॉब्लम दिखा दे रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है इस प्रिंटर में फोटोकॉपी करके। एक्चुअली दोस्तों जब भी अगर लाइनिंग वाला इशू होता है तो कभी काल हेड से ना होकर स्कैनर से भी होता है, तो एक बार स्कैनर को चेक करना ज़रूरी होता है। यदि आप स्कैनर से फोटोकॉपी करते हैं तो वहाँ पे लाइनिंग आती है, तो एक बार कंप्यूटर से भी प्रिंट करके या नोजल चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में हेड ही ख़राब है या कार्टेज ख़राब है या फिर स्कैनर सा इशू है। यदि कंप्यूटर से प्रिंट करते हैं तो कोई लाइनिंग नहीं आती है तो इसका मतलब स्कैनर ख़राब है। यदि कंप्यूटर से भी लाइनिंग आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि हेड का इशू है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसका जीरोक्स किया है तो ये कुछ आधा इंच छोड़ के प्रिंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है ये हेड का इशू है। एक्चुअली हमने स्कैनर को कंप्यूटर से भी प्रिंट देने पर ऐसा ही प्रिंटिंग हो रही है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जब भी हम कलर फोटोकॉपी करते हैं या कलर प्रिंटिंग देते हैं तो कलर वाला कार्टेज पूरा परफॉर्मेंस उसका सही हो रहा है, लेकिन जब भी ब्लैक कार्टेज से प्रिंट कर रहे हैं या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कर रहे हैं तो वहाँ पे ये लाइनिंग आ रही है। तो इसके लिए सिर्फ हम ब्लैक कार्टेज चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये है इसका ब्लैक कार्टेज जिसका मॉडल नंबर है BS7 और इन मॉडलों में यह कार्टेज लग जाता है। तो चलिए इसको पहले एडजस्ट करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं, कार्टेज को निकाल लेंगे। ये इसका ब्लैक कार्टेज है, इसको साइड में रख के पहले जो लगा हुआ है कार्टेज उस कार्टेज को निकालेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रिंटर ऑफ रहेगा तो वहाँ पे यह हेड थोड़ा सा भी मूव नहीं करेगा, तो उसके लिए प्रिंटर को हमें ऑन करना पड़ेगा। प्रिंटर को ऑन करके और ये स्कैनर उठाएंगे तो ये हेड मूव करने लगेगा। अब यहाँ से इसका जो बेल्ट है, ये जो पाइप है, इसको पकड़ के बीच में लाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे प्रिंटर का लाइट ऑफ कर देंगे, यहाँ से पावर केबल हटा देंगे। उसके बाद यहाँ से ये जो नीचे से पकड़ के दबा के ऊपर तक उठाएंगे, ये ट्रॉली ऊपर उठ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दो कार्टेज लगे हुए हैं, एक सी का मतलब कलर और बी का मतलब ब्लैक। तो हमें ब्लैक का चेंज करना है तो ब्लैक वाला कार्टेज सिर्फ वहाँ से उठा लेंगे। तो इस कार्टेज को हम यहाँ पे लगाएंगे, तो इसको हम उखाड़ लेते हैं और इस पे जो भी रेपर लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, वो अच्छे ढंग से हटा लेंगे। ये ऊपर के साइड को भी हटा लेंगे और नीचे के भी साइड को हटा लेंगे और यहाँ पे हल्के हाथों से बस वहाँ पे रखना होगा। आराम से रखेंगे वो अपने जगह पे बैठ जाएगा। उसके बाद इस नीचे हटा के दोनों पॉइंट को हम दबा देंगे जिससे कि जो भी इंक फ्लो है हेड तक आराम से पहुंचता रहे। स्कैनर को नीचे कर देंगे, पावर प्लग करेंगे, उसके बाद ये पावर वाली बटन को ऑन करेंगे। पावर वाली बटन ऑन हो गया है तो उसके बाद एक बार इसे हेड क्लीनिंग करना होगा। हेड क्लीनिंग करने के लिए ब्लैक वाली बटन को लगभग 3 सेकेंड तक दबा के रखेंगे और उसके बाद जैसे ही पावर वाली लाइट अप डाउन करने लगेगी तो छोड़ देंगे।
जब पावर वाली लाइट कंटिन्यू जलने लगेगी तो उसके बाद हम प्रिंट करके चेक करेंगे। A few moments later, ये प्रिंटर रेडी हो चुका है। हम पेपर डाल के फिर से फोटोकॉपी करके चेक करते हैं। स्कैनर में एक पेपर डाल देते हैं और ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी करते हैं। ये प्रिंट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो हमने प्रिंट किया है वो पूरा क्लियर प्रिंट हुआ है और ये पहले का प्रिंट था जो पहले कार्टेज से। तो इस तरह से कैनन के जी सीरीज के किसी भी प्रिंटर का कार्टेज आप चेंज कर सकते हैं, लाइनिंग वाली प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप कैनन जी सीरीज के सभी प्रिंटर का कार्टेज चेंज कर सकते हैं, चाहे वो ब्लैक हो चाहे कलर हो। दोस्तों, अब बात करते हैं इस कार्टेज का प्राइस। तो दोस्तों, इस कार्टेज का जो प्राइस है वो लगभग 1100 से 1200 के रेंज में मिल जाएगा, जबकि इस MRP ही 1199 रुपया है, लेकिन मार्केट में भी अगर खरीदेंगे तो लगभग 1100-1200 के रेंज में यह कार्टेज मिलेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।